अगर आपके घर में चावल बच जाए तो आप भी इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और ये खाने में तो बहुत टेस्ट लगते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, मैं इसको भी तोड़ के दिखाती हूँ आपके लिए। ये कितने अच्छे बन करके रेडी हुए हैं, देखिए। इस तरीके से आप भी बचे हुए चावलों से ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे एक प्याली चावल है। ये शाम को मैंने चावल बनाए थे तो ये बच गए थे, तो मैंने सोचा कुछ स्नैक्स बना लूँ तो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अब इनको हम मिक्सी की हेल्प से पीस लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने क्वार्टर गिलास पानी लिया था, पानी को इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब इसको फिर से पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। देखिए, इसमें आधा गिलास जितना पानी ऐड किया है मैंने। ये हमारे एक प्याली चावलों में करीब ये आधा गिलास पानी लगा है और इनको हमने पीस लिया है। अब इनको किसी बाउल में निकाल लेंगे। मैं इस बाउल में निकाल लूँगी इनको। अब ये मैंने ये 2 चम्मच भर की सूजी ली है। ये मैंने 2 चम्मच भर की सूजी इसमें ऐड कर दी है। ये मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, जीरे को इसमें ऐड कर देंगे। ये आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/4 चम्मच हल्दी ली है, हल्दी को भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच नमक लिया है, नमक को भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक हमारे चावलों में पहले से है तो इसलिए नमक हिसाब से ऐड करें। अब इसमें ये 2 चम्मच जितना पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसलिए। ठीक है, इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये 1/2 नींबू का रस लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें 2 चम्मच जितना पानी करिए और ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, पानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें। अब हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी सूजी भी फूलेगी तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अभी चम्मच को तो हटा लेंगे। अब इसको किसी भी प्लेट से ढक करके और 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे, जिससे कि हमारी सूजी फूल जाएगी और हमारा बैटर भी रेडी हो जाएगा। हमारे बैटर को भीगे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए, सूजी हमारी बढ़िया से फूल चुकी है। अब हम इसमें कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, फिर 1 टमाटर लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है। इनको मैंने चॉपर की हेल्प से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको मैंने धो करके और काट लिया है। अब इन सब्जियों को हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने सब्जियों को इसमें ऐड कर लिया है। अब इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियां इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हा ऑन कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ये मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो दूसरा ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये ऑयल को मैंने देखिए इसे फैला लिया है। अभी किसी भी चम्मच से हम ये बैटर लेंगे इस तरीके से, इस पर ऐड कर देंगे और इसको इस तरीके से फैला देंगे। वो जितने ही बड़े चीले आप बनाना चाहो उतने बड़े बना लें। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको सेकेंगे। ये हमारे इस चीले को इस साइड से सिकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए, पलट लेंगे इसको। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको भी मीडियम फ्लेम पे इधर से सेक लेंगे। अभी देखिए, मैंने थोड़ा सा मोजरेला चीज़ लिया है, इस चीज़ को हम इस पर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ओरिगैनो ऐड करेंगे इस पर।
और ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसको ढक देंगे, ये नीचे से फ्राई होगा, इतनी देर में हमारा चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। इसको ढके हुए 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए हमारा चीज़ भी कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नीचे से भी देखिए ये फ्राई हो चुका है। फ्लेम को तो ऑफ़ कर देंगे और इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम इसको कटर की हेल्प से कट करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा ये चीज़ी चीला बन के रेडी हुआ है। मैं इसको सॉस के साथ सर्व करूँगी। इसी तरीके से हम सारे चीले बना करके रेडी कर लेंगे। अभी देखिए मैं कुछ चीले इस वाले तभी बनाऊँगी, इसे थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा फैला लेंगे, इस पर भी हमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर ऐड कर देंगे। आप चाहो तो प्लेन तवे पे बना लें, चाहो तो आप फ्राई पैन पे बना लें, और अगर ऐसा तवा हो आपके पास तो उस पर बना लें। अब इनको भी हम मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। ये देखिए इधर से भी इनको फ्राई होते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको भी चेक कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। इसी तरीके से सभी को पलट लेंगे। अब इन पे भी हम थोड़ा थोड़ा चीज़ ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। अब इनको हम ढकेंगे भी नहीं, बगैर ढके ही हम इनको फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे ये दूसरी साइड से फ्राई होंगे, उतनी देर में हमारा चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ओरिगेनो हम इन पे भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च है, इनको भी इस पर ऐड कर देंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी इनको फ्राई होते हुए करीब 3 मिनट ही हुए हैं, और देखें हमारा चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इनको हम इधर से चेक कर लेंगे। देखिए इधर से भी इतने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे। ये मैंने इनको भी प्लेट पे निकाल लिया है। तो आप भी बचे हुए चावलों से ये नाश्ता ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।